ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर हो गए अभी तक, पेट्रोल फ्यूल भर लिया था वहाँ पे पीछे, सीसीडी दिखाई दिया, ब्रेक, काफ़ी ब्रेक, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे है भूसा खड़ा है। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 4 अजमेर में रात को 8:30 8:45 को पहुंच गया था और होटल रूम लिया था ओयो में, न्यू विक्रम या कुछ है नाम भूल गया, लेकिन अजमेर सिटी का एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, अभी ये होटल के उस साइड, मतलब मेरे डोर, ये जो डोर है ये डोर के उस साइड में है इनका होटल का एंट्रेंस, वहाँ पे लेक है सामने, तो लेक होने की वजह से यहाँ पे जो पानी आ रहा है बहुत खारा पानी आ रहा है। वॉशरूम में नहाने आप चले जाओ आपका पूरा बाल का वाट लग जाता है। मैं तो ज़्यादा सब बाल के बारे में ज़्यादा ये नहीं करता, लेकिन बाल पूरा चिपचिपका हो गया था। सॉल्टेड वाटर है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड बाकी अजमेर में ऐसा टूरिस्ट स्पॉट करके ज़्यादा, एक डेज़र्ट है करके बोला, मैं होटल के मैनेजर से बात किया तो उसने बोला यहाँ पे डेज़र्ट है और कैमल राइड होता है और ये सब के अलावा टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा यहाँ पे रिलीजियस स्पॉट ज़्यादा है। तो एनीवेज मेरे को तो यहाँ पे आज घूमने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मेरे को अभी दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली पहुँचने के बाद टूर चालू होता है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, सो आज का कुछ 350 किलोमीटर्स अगला राइड, मज़ा आने वाला है। होप सो कल जैसा कोई बंदा एक मिल जाए, बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी एक गलती हो गया मेरे से, मैंने होटल से गाड़ी निकालते हुए वीडियो बना दिया था जिसमें होटल का व्यू भी आया था, लेक व्यू भी आ गया था, और मैंने देखा कल का फाइल डिलीट नहीं किया है तो फॉर्मेट करना था कॉपी। अब होने को कौन टाल सकता है, जो हो गया हो गया, ये सोच के अभी आगे बढ़ रहा था मैं। तो आज का जो ये सफ़र था ये था अजमेर से लेके पटेल नगर दिल्ली तक का, ये करीब 400 किलोमीटर का सफ़र था। ये अभी आपके आपको आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कि उसका रीडिंग कितना था। ये सफ़र में अजमेर चीज़ मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया एक्चुअली स्टे करने के लिए, क्योंकि होटल अच्छा था लेकिन जैसा ओयो में दिखाया था या जो भी ऐप में ऊपर उसके ऊपर दिखा रहा था सेम होटल, उतना कुछ खास नहीं था। पानी बहुत हार्ड वाटर था ज़्यादा ही, और गीज़र नहीं था रूम में, ब्लैंकेट था कबड़ के अंदर रखा था, वो भी जाके पूछने के बाद बता के देता है, इंटरकॉम चलता नहीं है, ऐसे सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स था। लेकिन होटल का लोकेशन बहुत सही था, रूम से सामने रूम के ऑपोजिट साइड में लेक था, होटल का एंट्रेंस पे सामने लेक था। अभी ये सब मैंने शूट किया था लेकिन फॉर माई लक मेरे को वो नहीं मिला वो फुटेज। अभी जो भी हो अभी बस यही चलता जाए, अब चलते सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हर सफ़र में एक तकलीफ आना ज़रूरी होता है बट उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। ये देखा ये टूट गया है, अब इसको सेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा जो फॉग लैम्प था, फॉग लैम्प का राइट साइड का जो ब्रैकेट था वो टूट जाता है, तो मुझे वहाँ पे टूल किट होने के वजह से मैं वो फॉग लैम्प निकाल पाया, फॉग लैम्प निकाल के ब्रैकेट के साथ रख दिया क्योंकि वेल्डिंग टूट गया था और मुझे संडे के दिन में कोई वेल्डर मिलना मुश्किल था। तो जो भी हो एक फॉग लैम्प के ऊपर मैं दिल्ली तक पहुँच जाता था क्योंकि लाइट था एंड बाई 9 o'clock एट द मैक्स मैं दिल्ली टच कर दी रहा था। तो सफ़र ये कंटिन्यू कर रहा था एंड मेरे को एक ही रिकमेंडेशन है सब लोगों के लिए जो भी ट्रैवल करते हैं, काम आता हो या नहीं आता हो, टूल किट कैरी करना बहुत ज़रूरी है। टूल किट होगा तो आपको मैकेनिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, कम से कम कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प कर देगा। ये गाड़ी दिख रहा है आपको कि अगर इतना सामान एक गाड़ी के ऊपर लेके जाएगा, इससे अच्छा एक छोटा टेम्पो कर ले यार।
सामान तो गिरता ही है, ये आगे भी वैसे ही गाड़ी जा रहा है। ये अगर इतना सामान, ये देखो ये आदमी फिर भी अंडरस्टूड है दोनों साइड में, जैसा मैं पैनियर से सामान लेके जा रहा हूँ वैसे ही लेके जा रहा है वो। लेकिन उसके बाद जो दूसरा बंदा था वो सामान आगे पीछे चारों बजे, वो खुद भी नहीं गिरा सकता ऐसा सामान लेके जा रहा है, क्या मतलब है। ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर हो गए अभी, पेट्रोल फ्यूल भर लिया था वहाँ पे पीछे, सीसीडी दिखाई दिया, ब्रेक काफ़ी ब्रेक, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे है भूसा खड़ा है। नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक वही सही है। हैव टू, यू जस्ट कीप अ होल्ड। Till the sitting posture is comfortable, but not much heighted. I was expecting a good height. Adjust the suspension. And because of that seat, I guess. अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे को BMW पे GS 310। बोलते हैं ना दुनिया गोल है, ये उसका सबूत है। ये गिक्सर किड वाला बंदा, ये पिछले व्लॉग में आपको दिखाई दिया, ये बंदा मेरे को एक होटल में मिलता है, उसके बाद हम लोग साथ में अजमेर तक राइड करते हैं। ये बंदा का उस दिन का डेस्टिनेशन था जयपुर, एंड उन्होंने जाने के रास्ते पे उनको कोई फ्रेंड का कॉल आया, बोला जयपुर नहीं राइड करना रात के टाइम पे, सेफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर थोड़ा आगे जाके अजमेर में रूम लेके, ये बंदा का बहुत लंबा ट्रिप है तो इन्होंने हॉस्टल लेके रेस्ट कर लिया, और उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकले। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम टाइम में हम लोग दोनों अजमेर से निकले, और दोनों को पता नहीं था। ऑन द वे जब मैं CCD में रुका, वो हायाबुसा वाला जो ओनर था वो अंकल मेरे से बात कर रहा था, इतने में ये बंदा पीछे से आया, एंड आई वॉज सरप्राइज कि ये वही अपना कार्तिक ही है। इसका एक्चुअल नेम कार्तिकेयन है। ये रीसेंट तक मतलब मार्च महीने तक तो ये राइड कर ही रहा था, अभी तो आज 20th of March को ये दिल्ली में पहुंचा हुआ है बंदा। मैं कांटेक्ट में हूँ ये बंदे से, ये काफ़ी लॉन्ग राइड इनका प्लान था, लेकिन अभी जो भी हो कोरोना वायरस का इशू होने की वजह से उन्होंने ये राइड को यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ब्रेक लेके रिटर्न वो तमिलनाडु जा रहे हैं। तो जो भी है, ये बंदा को मेरे को सामने से आके बोला कि मेरे को आपका गाड़ी चलाना है, हिमालयन ट्रायल मारना होगा। ठीक है, मुझे भी मिल गया BMW 310 चलाने के लिए, तो मैं भी खुशी से चलाया। गाड़ी इतना स्मूथ चलता है, नो डाउट हिमालयन है, बी एम डब्ल्यू है,
दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का सीसी में बहुत फ़र्क है। दूसरा एक इंसिडेंट ये बताना चाहता हूँ, जो सीसीडी में अभी मैंने जब भी रुका वहाँ पे एक ब्लैक हायाबुसा खड़ा था, तो वो ओनर के बारे में मुझे कुछ बताना है। अभी एक्चुअली वो स्टोरी उन्होंने मुझे शेयर किया था जब भी 10 मिनट में बात किया, मैं जाके जब भी मेरा राइडिंग गियर का जस्ट जैकेट निकाल रहा था तो उन्होंने आके मेरे से बात करने लगा। वेरी हम्बल गाय। वो सर का नाम है प्रणीत शिवहरी, ये सर जयपुर में रहते हैं। ये BMW GK1300 करके एक बाइक आता है, वो बाइक भी ऑन करते हैं, होंडा VFX भी ऑन करते हैं, इसके अलावा ये हायाबुसा भी ऑन करते हैं। तो इनका एक मोटिवेशनल स्टोरी था, हर राइड में आपको कुछ ना कुछ एक स्टोरी, कुछ मोरल आपको मिलता है। ये राइड में मुझे ये था, ये अंकल से जो इंस्पिरेशन मिला मुझे, ये अंकल बाय प्रोफेशन एक टीचर है, उसके बावजूद अंकल राइड करते हैं। तो अंकल ने 2015 या 16 राइडर मेनिया जाके आया, तो वो ये पड़ा हुआ है IBW के लिए उन्होंने गए थे। तो जाने के रास्ते में पनवेल में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका गाड़ी से वो गिर गए स्पीड ब्रेकर पे, ये होके उन्होंने स्पीड ब्रेकर देखा नहीं और गिर गए, और उसके बाद अंकल 3 to 4 days कोमा में थे सर वो। एंड वो सब होने के बाद में उनका बाइक उनका फ्रेंड्स ने IBW लेके जाके रिटर्न उनके घर पे पहुंचा दिया। तो नेक्स्ट 2017 का IBW उनका टारगेट था, ये टारगेट था कि मैं IBW में फिर से जाऊंगा बाइक लेके। जो आदमी 4 दिन कोमा में होने के बाद में, 3 या 4 दिन, सॉरी सर अगर आप देख रहे हो तो, 3 या 4 दिन के बाद भी अगर वो बंदा कोमा से निकलने के बाद भी अगर उसको वो करेज बनता है, सर सल्यूट टू यू। ये मोटिवेशन हमको लाइफ में होना चाहिए। ये एक छोटा सा स्टोरी था इसके अंदर, सॉरी व्लॉग के अंदर स्टोरीज आ रहा है, लेकिन ये मोटिवेशन अगर मैं आपको ना बताऊँ तो आप भी मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको भी तो कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए मेरे व्लॉग देखने से, ये मेरा एक्सपेक्ट। ये जो भैया अभी सामने दिख रहे हैं, ये यहाँ के टोल के कुछ एम्प्लॉय है, आके एक एक चीज़ पूछ रहा था बाइक के बारे में, ये सब होने के बाद जो भी अच्छे लोग हैं, मेरे को पूछा पानी चाय कुछ पियोगे क्या, पूछा तो बोला नहीं, कैसे तो चला गया, जो भी अच्छा नहीं पाएगा। 4:30 बज गए, होटल तवा लिली करके है बोर्ड, होटल तवा। ये अभी 146 किलोमीटर बाकी है मुझे दिल्ली तक के लिए, तो अभी खाना ऑर्डर दिया हुआ है, खाना खाएगा उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आज अभी इधर पहुंचा, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, तो सोचा राजस्थानी खाना ही ऑर्डर दे देता हूँ। तो 2 दाल बाटी आया हुआ है, 4 दाल बाटी है, मैंने इसमें 2 दाल बाटी करवा दिया और 2 चपाती रोटी करवा दिया, और चोरमा आया उसका और सब्जी आया। अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा एक्चुअली मेरे को वहाँ पे मिला, ये फुल फैमिली कोई मंदिर में जाके रिटर्न मार रहे थे, एंड इन लोगों ने एक्चुअली ब्लॉग के बारे में बहुत कुछ पूछा, ट्रैवलिंग रूट पूछा, सब कुछ पूछा, और उसके बाद ये बंदे एक्चुअली ये फैमिली बहुत अच्छा फैमिली था, इन लोग काफ़ी देर रुका है मेरे ब्लॉग में आने के लिए, एंड थैंक यू भाई, एंड थैंक सॉरी फॉर द डिले ब्लॉग लेट आने के लिए। एंड ये इंस्टाग्राम पर बार बार मुझे DM भी कर रहे थे, भाई ब्लॉग कब आएगा, भाई ब्लॉग कब आएगा, क्यूरियस होते हैं, लेकिन हमें मेरा टाइम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी भाई।
आगे से व्लॉग आपको टाइम दे दी। चलो अभी हमारा 146 किलोमीटर का जो बैलेंस राइड है उसको कंप्लीट करते हैं। डेली 145 किलोमीटर वहाँ पे मुझे खिड़की दौला टोल प्लाजा ऑन NH8 NH सेक्शन ऑफ दिल्ली गुड़गांव। हाँ ये टोल का गर्दी देखो, पता नहीं क्या सीन है, इसी चलता है रखो इधर। ये हाँ दोनों रोड दिल्ली जाता है क्या? हाँ दिल्ली जाएगा दोनों भी। हाँ सीधा सीधा दिल्ली जाएगा, एक ही रोड है सीधा है तो। नहीं इसमें ऐसा घुमा के दिखा रहा है। हाँ ये देखो ना चल जाएगा दिल्ली से 41 किलोमीटर है यार। VIP ने वेरी गुड। मेरे पीछे जो है मेरा गलती नहीं है, तुमने मेरा पीछे का रास्ता लिया। अब ये जगह जगह तो ना, अगर जगह नहीं जगह तो मैं क्या। अच्छा पुलिस वाला था, उसने मेरे को बोला आप आराम से ऐसे डाल दो। छोड़ो मैं इधर से वापस डालता हूँ लेते हैं, नहीं चाहिए मेरे को। उन्होंने उधर से ही जाने को मेरे को बोल दिया था, वो रॉन्ग साइड से हाल लो उसे आप निकल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है करके बोला था, लेकिन मैं देखा थोड़ा सा रॉन्ग साइड डाल दिया, ठीक है पुलिस वाले का परमिशन है करके, और उसके बाद में ज़रूरत नहीं है। ओयो का टाउन हाउस में रूम लिया, अभी टाइम हुआ है 8:45। कल भी यही टाइम में होटल पहुंचा था मैं। ये एंट्रेंस डोर बाथरूम भी बाजू में ही, आजकल ये नया स्टाइल में हर बाथरूम हर होटल में देख रहे हैं। हाँ फाइनली आई रीच्ड दिल्ली, कांट बिलीव। सेपरेट दिया हुआ है लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार बॉटल भी निकाला नहीं, वापरा हुआ ये लोग ने। हाँ सीटिंग स्पेस है और एक विंडो है, मैंने विंडो चाहिए करके बोल के लिया तो उसने फ्रंट फेसिंग वाला दे दिया। चलो थैंक यू, ज्वाइन करते हैं आपको। सो यूट्यूब के दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही में बेल आइकन है बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जैसा आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एक्सप्लोरिंग फॉर पीस विद जिजो, वहाँ पे भी आप जाके IGTV पे भी वीडियो देख सकते हो।
कनेक्टेड रहिए सो दैट आपको वहाँ पे लाइव अपडेट मिलेगा। यूट्यूब पे मैं कैसा थोड़ा स्लो चलता हूँ, थोड़ा कभी कभी 15 दिन एक महीने का डिले आता है। इंस्टाग्राम पे जो कनेक्टेड है उनको मेरे पूरे ट्रैवल अपडेट्स अपडेटेड, एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो सो दैट यू गेट द अपडेट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एंड माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान। स्टे ट्यून्ड।